स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आंसर ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। GCP ने पिछले दो महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को कवर करते हुए 500 से अधिक भूमि पार्सल में वृक्षारोपण को मंजूरी दी है। GCP का लक्ष्य गैर कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना है जो स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है, ये किस शहर से संबंधित है? ए कानपुर, बी पटना, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आंसर डी वाराणसी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। तमिलनाडु 58 GI उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न। हिंदुस्तान जिन वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। आंसर सी तीसरे। एक्सप्लेनेशन, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। अगला प्रश्न। IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डेविड वॉर्नर, बी रोहित शर्मा, सी जोस बटलर, डी विराट कोहली। आंसर डी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। MS धोनी IPL में 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक 249 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है। रोहित IPL के 250 मैचों की 245 पारियों में 6,508 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर हरि कुमार, बी आर के धवन, सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी करमबीर सिंह। आंसर सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।